हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ कैन यू गेट रेडी फॉर द न्यू वीक। नए वीक की तैयारी कैसे करें, पहले से ही आप एक्स्ट्रा में कैसे एनालिसिस कर सकते हो, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो मैं आपको कुछ एनालिसिस करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम नए वीक की तैयारी कर सकते हैं पहले ही एनालिसिस करके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले सो लाइक कमेंट एंड शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारी फर्स्ट करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी में पहले हम हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो अभी हम है वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस देखो, स्ट्रक्चर देखो, तो मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है। मार्केट ने ऊपर की तरफ ये फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर दिया एंड फिर कंटिन्यू मार्केट ऊपर ब्रेक कर रहा है। ओके, तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के एरियाज बनाएं तो ये हमारा करंट हाई है। तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक होगा इंड्यूसमेंट। तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक है ये वाला भी है, बट ये एक इनसाइड है। तो इसको हम माइनर ले सकते हैं, बट मेजर वाला ये वाला होगा। तो ये है हमारा इंड्यूसमेंट ऑफ वीकली टाइम फ्रेम। और अगर वीकली टाइम फ्रेम का हम ऑर्डर ब्लॉक बनाएं तो आईडीएम से प्रीवियस कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे सिर्फ यही एक ऑर्डर ब्लॉक है वीकली टाइम फ्रेम का जो कि वैलिड है। तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर बाय, बट यहाँ पे मार्केट को रीटेस्ट करने में टाइम लगेगा, तब तक हम काउंटर ट्रेड देख सकते हैं। और लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है तो वहां पे हम काउंटर अपॉर्चुनिटी गेट कर सकते हैं। तो चलिए इसे लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो आ चुके हैं हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे देखिए मार्केट कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यूरो यूएसडी इज डाउन नाउ। तो वहां पे हम सेल अपॉर्चुनिटी गेट कर सकते हैं। तो करंट में देखिए यहाँ पे मार्केट ने ये लो बनाया, इट्स अ वैलिड लो क्योंकि अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर रहा है। फिर ये हाई बना और इसने इस वैलिड लो को नीचे ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया वैलिड हाई। तो अभी हम एरियाज बना सकते हैं फॉर अपॉर्चुनिटी। तो ये हमारा लो है, अब इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक होगा इंड्यूसमेंट। तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारे लिए इंड्यूसमेंट। अभी हम एरियाज बनाए तो एक होगा इंड्यूसमेंट से पहले और एक होगा एक्सट्रीम पे। तो इंड्यूसमेंट से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक है दिस वन और एक्सट्रीम पे है ये वाला। इन दोनों एरियाज पे हमें सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी करना क्या है, हमें हमारे एरियाज में मार्केट का आने का वेट करना है। और अगर हमें वहां पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिलती है तो हम वहां पे अपॉर्चुनिटी गेट कर सकते हैं। अभी इन एरियाज में होता क्या है उसका फॉलो अप मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देती रहूंगी। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप में ज्वाइन हो। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर की, जो है यूएसडी जेपीवाई। तो पहले हम इसमें हायर टाइम फ्रेम देखते हैं। तो हम आ चुके हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो अगर हायर टाइम फ्रेम का आप स्ट्रक्चर देखो तो मार्केट इज ऑल ओवर अप ट्रेंड। तो अभी हम करंट में देखते हैं, मार्केट ने ये हाई बनाया, इट्स अ वैलिड हाई क्योंकि अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक को ग्रैब कर रहा है। ओके, फिर ये लो बना, इट्स अ वैलिड लो क्योंकि इसने इस वैलिड हाई को ब्रेक कर दिया है। तो स्ट्रक्चर इस क्लियर। अभी अगर हम 4 आवर में एरियाज बनाए फॉर बाय अपॉर्चुनिटी तो ये हमारा सबसे हाईएस्ट हाई है। तो इस हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक है ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। और अगर हम एरियाज देखें तो एक एरिया होता है इंड्यूसमेंट से पहले का जो कि ये वाला है, ब्रेक होता है एक्सट्रीम पे जो कि ये वाला है। और आप नोटिस करो तो मार्केट हमारे पहले जोन में आ चुका है। अभी इस एरिया में आने के बाद मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन दे रहा है, तो अभी हम उसको चेकआउट करते हैं। लेट्स गो इन लोअर टाइम फ्रेम।
तो आ चुके हैं हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो हमारे 4 आवर के जोन में टैप करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला है। तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हम फिर लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से नए एरियाज बना सकते हैं फॉर बाय अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा करंट हाई है, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है ये वाला, तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। ओके, और अगर हम अभी एरियाज बनाए तो एक होता है इंड्यूसमेंट से पहले जो कि है दिस वन, एंड एक है एक्सट्रीम पे दिस वन। इन दोनों जोन पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी करना क्या है, इन जोन पे हमें मार्केट का आने का वेट करना है। जैसे मार्केट इन एरियाज में आता है हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है। अगर मिलती है तो हम अपॉर्चुनिटी गेट कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलती तो हमें वेट करना है राइट अपॉर्चुनिटी का। तो ये करेंसी भी हमारे नए वीक के लिए रेडी हो गई है। नेक्स्ट करेंसी पेयर है जीबीपी जेपीवाई। तो जीबीपी जेपीवाई में पहले हम हायर टाइम फ्रेम देखते हैं। तो जीजे में भी अगर हम हायर टाइम फ्रेम का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो मार्केट इज ऑल ओवर अप ट्रेंड। ओके, और अगर हम करंट में देखें तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने अभी अभी एक वैलिड हाई को ऊपर ब्रेक किया है। ओके, तो वी कैन मेक न्यू एरियाज। तो ये हमारा सबसे हाईएस्ट हाई है, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक होगा इंड्यूसमेंट जो कि है ये वाला, तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। अभी अगर हम एरियाज बनाएं, लेट मी जूम इनटू इट। तो एक एरिया होता है इंड्यूसमेंट से पहले। तो इंड्यूसमेंट से पहले यहाँ पे सिर्फ यही एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है जिसके पास एक इम्बैलेंस है, तो हम इसको अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। एंड एक होगा एक्सट्रीम पे। तो एक्सट्रीम पे अगर हम देखें तो ये हमारा वैलिड लो है। अब इसके ऊपर कोई भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जिसके पास एक वैलिड इम्बैलेंस हो, सारे के सारे मिटिगेटेड है। ओके, यहाँ पे भी हम देखें तो हमारा मेन ऑर्डर ब्लॉक होगा ये बैरिश कैंडलस्टिक जो कि ऑलरेडी मिटिगेटेड है। तो यहाँ पे सिर्फ यही एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसके पास एक इम्बैलेंस है, बाकी सारे यहाँ पे मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट ऑलरेडी हमारे 4 आवर के जोन में टैप कर चुका है। तो अभी हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देख सकते हैं। तो लेट्स सी इन लोअर टाइम फ्रेम। तो आ चुके हैं हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लू बॉक्स हमारा हायर टाइम फ्रेम का जोन है, और यहाँ पे टैप करने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ लोअर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। तो यहाँ पे देखो ये हाई ब्रेक हुआ है, तो इससे साइन की मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में जोन बना सकते हैं। तो ये हमारा करंट हाई है, अब इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है दिस वन, तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। और अगर हम जोन देखें तो यहाँ पे यही एक एरिया बन रहा है जिसके पास एक इम्बैलेंस भी है और जिसने लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया है। तो यहाँ पे एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे हमें मार्केट का आने का वेट करना है। जैसे मार्केट इस एरिया में आता है हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है। अगर मिलती है तो वी कैन प्लेस अवर ट्रेड। तो इस तरीके से जीबीपी जेपीवाई भी हमारे इस वीक में ऐड हो सकती है। नेक्स्ट करेंसी पेयर है गोल्ड। तो गोल्ड में जैसे कि अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखें तो मार्केट इज ऑल ओवर डाउन ट्रेंड राइट नाउ। ओके, मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड है। तो अगर हम करंट में देखें तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, तो मार्केट इस लिक्विडिटी को पूरा ग्रैब करेगा, और ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर टाइम फ्रेम का। तो मार्केट यहाँ पे टैप कर सकता है और हमें अपॉर्चुनिटी दे सकता है। बट यहाँ पे करंट में क्या हो रहा है, मार्केट ने लिक्विडिटी तो ग्रैब कर ली, उस लिक्विडिटी को स्वीप भी किया है यहाँ तक, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट इज गोइंग डाउन। हो सकता है कि मार्केट रिटेस्ट कर रहा हो, वापस से ऊपर आए फिर डाउन करे, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन करे। तो अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं, उससे पता चलेगा। लेट्स सी इन 1 आवर टाइम फ्रेम।
वन आवर में हम देखें तो मार्केट इज ऑल ओवर अप ट्रेंड राइट नाउ, क्योंकि मार्केट रिटेस्ट कर रहा है हायर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे हम 1 आवर का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे देखिए ये हाई था, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ग्रैब किया तो ये हो जाएगा वैलिड हाई। फिर ये लो बना और इसने इस हाई को ऊपर ब्रेक कर दिया है तो ये हो जाएगा वैलिड लो। ओके, फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, फिर यहाँ पे कोई भी नया वैलिड हाई वैलिड लो नहीं बनाया, सिंगल लेग मूव हुआ है। अभी हम इस रेंज के हिसाब से एरियाज बनाए तो देखिए ये हमारा मेन हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट होगा जो कि ये भी पुलबैक है, ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। और अगर हम एरिया देखें तो एरिया होता है इंड्यूसमेंट से पहले और एक्सट्रीम पे। तो इंड्यूसमेंट से पहले और एक्सट्रीम पे मुझे बस यही एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, दिस वन। तो हमारे पास सिर्फ यही एक ऑर्डर ब्लॉक है जहां पे हमें बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, बट यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट में कोई भी ऊपर की तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला है। उसके अलावा यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया है, मार्केट ने इस हाई को स्वीप कर दिया है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है ऊपर की तरफ। इट्स इंडिकेटिंग कि मार्केट डाउन जा सकता है। तो लेट्स से लोअर टाइम फ्रेम कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने 30 मिनट टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ ये चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। तो चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया है, तो अगर हम एरिया देखें तो यहाँ पे ये क्लियर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमें सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। करंट स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट डाउन जा सकता है, ऊपर की तरफ मार्केट ने कोई ब्रेक नहीं दिया है तो मार्केट का ऊपर जाने का अभी कोई भी रीजन नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट ने करंट में लिक्विडिटी स्वीप किया है और नीचे चेंज ऑफ फैक्टर दे रहा है, तो ये 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अभी हमें सेल पे फोकस करना चाहिए रेदर देन बाय। तो करंट स्ट्रक्चर इज डाउन, तो उसके हिसाब से हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है। हो सकता है कि आने वाले वीक में पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाए, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाए, मार्केट इस हाई को ब्रेक कर दे और मार्केट अप ट्रेंड करने लग जाए, तो फिर हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से नई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। बट अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे सेल करना बेटर रहेगा। तो अभी आने वाले वीक में जैसे ही मार्केट इस एरिया में आता है तो आप लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेकर के अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी ट्रेड प्लेस कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। एंड ये है हमारी लास्ट करेंसी पेयर। तो इस तरीके से हमें सारी करेंसी पेयर्स को एनालिसिस करना है। जिस भी करेंसी पेयर में हमें दिखता है कि ओके इस करेंसी पेयर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो उस करेंसी पेयर को हम हमारे नए वीक में ऐड कर सकते हैं, और जिसमें हमें कंफ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, उसे हम इस वीक से हटा सकते हैं। इस तरीके से आप नए वीक के लिए रेडी हो सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो गिव इट अ लाइक, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी आने वाले वीक की तैयारी कर पाए। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, लेट्स बिकम 1% टुगेदर।